बारिश के बाद नरमा पूरा गिर गया, आंधी थी बारिश के साथ, तो इस वजह से नरमा गिर गया। पतिदेव जी इसको सीधा करने में लगे हैं, साइडों में मिट्टी लगा रहे हैं और उधर बोल रहा है नंदू मम्मा मम्मा। उसका उसको अभी दूध पीना है इसलिए बोल रहा है। तो ये देखिए बहुत बुरी हालत हो जाती है बारिश के बाद, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है और ज़्यादा पानी भी काम का नहीं है। और इस साइड पूरी गट्टा छा रखी है और बादल गरज रहे हैं। 6 बज चुके हैं, अभी मैं दूध निकालती हूँ। अभी बारिश रुक गई है गाइस, तो हम लोग आए बाहर निकल चुके हैं और बड़ी मम्मा निकालने वाली है दूध। और बड़े पापा नरमे के पौधे गिर गए थे तो उन्हें ठीक कर रही हैं, और मनीष अपना होमवर्क कर रहा है और माँ जी बैठे हैं अंदर आंगन में। तो अभी दूध निकालते हैं। तो पशुओं के पास देखिए गाइस कितनी सारी गंदगी हो चुकी है, बारिश हुई थी उसके कारण। और बड़ी मम्मा ने अभी दूध पिला दिया नंदू को, अभी बांध रहे हैं इसको। बहुत शरारती है ये, मनन की तरह है, मनन भी बहुत शरारत करता है। तो गाइस बड़ी मम्मा निकाल रही हैं अभी दूध, और अभी भी देखिए बादल हुए हैं। सूर्य देवना देवता ने अभी अपना चेहरा दिखाया है बारिश के बाद में। और अभी बड़ी मम्मा निकाल रही हैं दूध, शाम का टाइम है, उसके बाद में खाना बनाएंगे। बारिश का टाइम है, ये गाय बीच बीच में पूंछ मारती रहती है अपनी, ये फिर से मार रही है, मैंने बोल दिया इसको, ये हिला तो रही है, फिर से मारेगी। ये देखिए गाइस बारिश के बाद में गली में क्या हाल हो जाता है। तो दोस्तों अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, मैंने दूध निकाले दोनों पशुओं का, दूध गर्म होने तक की मम्मी बैठे हुए यहाँ पे, ताऊ जी आ रखे थे कुछ बातें कर रहे थे, और यहाँ हमारी नीति कल गा रही है आटा। बारिश के बाद बहुत ज़्यादा फिटकले हो जाते हैं, फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए खाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी किचन बिखरी हुई है, पूरा काम यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बन रही आलू प्याज की सब्ज़ी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल। और मेरी फेवरेट कढ़ी बन चुकी है, किस किस को कढ़ी पसंद है कॉमेंट करके जरूर करना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ आलू प्याज की सब्ज़ी सब लोगों को पसंद है, मेरे को छोड़कर, वो बिना पानी वाली सूखी सब्ज़ी, और मुझे बिना पानी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे दूध ठंडा होने के लिए रख दिया है, इसमें जुमान लगाना है, अभी ठंडा होगा, और गर्म होने के लिए दूध मैंने हारे में रख दिया है। अभी धूप निकल गई, साथ में बारिश हो रही है, और पशुओं का काम साथ में पति देव जी करवा रहे हैं। किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है ये भी कमेंट में कर देना। दोस्तों अभी शाम के 7:30 हो चुकी है, खाना बन गया, मैंने भी खा लिया, मम्मी ने खा लिया, बाकी लोग नहीं खाएंगे इतनी जल्दी। और बारिश अभी भी हो रही है बूंदाबांदी, ये बहुत ख़राब करती है बारिश। ये पौधों की कटाई छटाई कर रहे हैं, ऊपर से काट रहे हैं, बहुत सुंदर हो जाती है बारिश के बाद बगिया, प्यारी सी हमारी बहुत सुंदर हो गई है। और अभी मैं नहा लूँ, बाल धुल लिए, गीले हैं बाल, ये देख बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, फ्री होते तब। यहाँ पर नितिका भी आ गई है, अभी इंजॉय कर रहे हैं बारिश को, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। और पशुओं को एक बार फिर से चारा डाल, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं वरना गीला हो जाता है, फिर खाया भी नहीं जाता और तूड़ी वेस्ट होती है। आज चारा नहीं लाया गया, ज्वार तो दाना ही दिया इनको, और हम ट्रैक्टर भी अच्छे से नहा लिया, बहुत सुंदर हो गया है बारिश के बाद।
और यहाँ पर बगीचा ओ सॉरी पार्क देखिए, धूप बहुत बड़ी बड़ी होगी, कटाई करने वाली है, लेकिन बारिश हो जाती है फिर मुश्किल हो जाता है। सुंदर सा हो गया है, मन खुश हो जाता है देख के।